हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपका अपना दोस्त आकाश और हम देख रहे हैं स्टडी विद आकाश। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आईपीएससी नाम क्लोचर करने के लिए। तो दोस्तों, इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे, ये थर्ड पॉइंट है जबकि, इसलिए अगर आपने दो पॉइंट्स नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो तीसरे पॉइंट, इस पॉइंट में हम लोग जो इसमें कुछ खास है दोस्तों, क्योंकि ये एक थियोरेटिकल टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमसे पूछता है कि हाउ मेनी कार्बन्स आर लीनियरली अरेंज्ड, हाउ मेनी एटम्स आर लीनियरली अरेंज्ड, एक लाइन में, सिंगल लाइन में, एक लाइन में कितने कार्बन अरेंज हैं, कितने एटम अरेंज हैं, तो इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख रहे होंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब सी का मतलब कार्बन है ये दोस्तों, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कैसे, कितने, कौन से मॉलिक्यूल, मतलब कितने एटम्स हैं जो लीनियरली अरेंज है, कितने कार्बन है जो लीनियरली अरेंज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3, जैसे कि हम लोग बना लेते हैं CH3C ट्रिपल, ये जरूरी है, सीखना जरूरी सी। तो देखते रहिए वीडियो को पूरा अंत तक, मजा आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये देखिए, पहला कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पांच, कुल टोटल में आके फाइव कार्बन है आपके, फाइव कार्बन, ठीक है दोस्तों। तो फाइव कार्बन में हम लोग देखेंगे कि कितने कार्बन जो है लीनियरली अरेंज है। ऐसे तो आपको सब कार्बन लीनियरली अरेंज दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हमको ये देखना है कि कितने एटम्स अरेंज है लीनियरली, तो ये भी हमको सीखना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कितने क्या है, पहले इसमें देखते हैं कितने, कौन सा कार्बन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन से कार्बन में, ठीक है। इसमें अगर देखते हैं तो तीन सिंगल बॉन्ड है, ये H3 जो है, हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ तीन सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड थे, इसको हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। जैसे कि मैंने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ट्रिक पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो दोस्तों उस वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक मिल जाएगी उसमें आपको। तो उसी ट्रिक से मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूं, ऐसे तो आप निकालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आइए निकालते हैं, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये हो जाएगा आपका तीन बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है sp हो जाएगा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp हो जाएगा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये भी sp हाइब्रिड हो जाएगा, और ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये भी sp हाइब्रिड कार्बन हो जाएगा। तो ये हो गई इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात, ये टोटल हो गई इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात। अब इसकी बात करते हैं कि कौन से कार्बन लीनियरली अरेंज्ड हैं, हाउ मेनी कार्बन्स आर लीनियरली अरेंज्ड। तो देखते हैं, जैसे कि आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि जितने भी कार्बन जो, जैसे अगर दो कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर जैसे मान लेते हैं हम लोग दो कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो अगर जैसे कि sp, ये sp हाइब्रिड हो गया, ये भी sp हाइब्रिड, तो sp हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है, अधिकतर होती है लीनियर, अधिकतर क्या, उसकी लीनियर शेप ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस sp हाइब्रिड कार्बन से जितने भी अदर एटम, अदर कार्बन जुड़े होंगे, जस्ट समीप वाला, जस्ट पास वाला, जस्ट मतलब एक कह सकते हैं एक प्रॉक्सिमल वाला, ठीक है, तो जो पास वाला हो, तो उस वो जो कार्बन होगा इसके जस्ट अटैच वाला, यहाँ पे जो अटैच वाला होगा वो लीनियरली अरेंज्ड होगा, ये आपका फैक्ट है, यही आपकी ट्रिक है, ठीक है। तो ये लीनियरली अरेंज्ड होगा, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें कितने लीनियरली अरेंज हैं। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp हाइब्रिड है, sp हाइब्रिड है तो इसकी शेप लीनियर होगी, इसकी तो शेप लीनियर हो गई दोस्तों, लेकिन इसके बगल वाले कार्बन की भी शेप लीनियरली यही अरेंज, ये अगर जैसे एक कार्बन ये sp हाइब्रिड वाला यहां पे है, तो ये जो दूसरा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, ये भी यहां पे होगा, ये लीनियरली अरेंज होंगे, ठीक है, लीनियरली अरेंज होंगे। तो sp हाइब्रिड के बगल वाला भी लीनियरली अरेंज्ड होता है, तो इससे ये भी लीनियरली अरेंज्ड हो गया, ठीक है, और ये जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये भी लीनियरली अरेंज्ड हो गया। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, पहले हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर लीनियरली अरेंज्ड अगर पूछता है, ठीक है, कार्बन एटम्स के बारे में पूछता है अगर, तो कार्बन एटम्स निकालने के लिए हम लोग गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं यार, ये देखो 1 2 3 4 5, फाइव कार्बन एटम, तो जाहिर सिंबल से लिख देते हैं फाइव कार्बन एटम, और यहाँ पे देखो कितने एटम्स पूछ रहा है, तो एक कार्बन एटम, ये तो चार कार्बन एटम हो गए, 1 2 3 4 4 और 5, 5 कार्बन एटम्स हो गए, और एक ये हाइड्रोजन भी हो जा रहा है, तो टोटल अगर एटम्स पूछे हाउ मेनी एटम्स आर लीनियरली अरेंज्ड, 6 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके 6 एटम हो गए, ये आपके 5 कार्बन हो गए। तो ये रही आपकी अगर क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी कार्बन्स एंड एटम्स आर लीनियरली अरेंज, तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।